नमस्कार, नोवेयर कंपनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और नोवेयर कंपनी में आज फिर हमारे साथ दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होने वाले हैं। एक तो हम सैनिटरी वेयर की देश की सबसे बड़ी कंपनी HSIL से बातचीत करेंगे। इस कंपनी के जो तिमाही रिजल्ट्स आए हैं, अंडरग्राउंड अंडरलाइंग मोमेंटम किस तरह से इंटैक्ट है, इन सब पे बातचीत होगी। HSIL के प्रेसिडेंट साहब मिस्टर RB कावरा जुड़ेंगे हमारे साथ। साथ साथ एक फोर्जिंग कंपनी MM फोर्जिंग, जिसके स्टॉक में तो जबरदस्त रिटर्न्स दिए, अगर आप एक डेढ़ साल का चार्ट खोल के देखेंगे, मल्टीबाय अगर आइडिया रहा है जिसने सही समय पे लगाया हो। MM फोर्जिंग के नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद स्टॉक में वो मोमेंटम स्टीम लूज आउट होती हुई नजर आई है। हालांकि मल्टीबैगर वैसे ही रह चुका, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन MM फोर्जिंग के नंबर्स और आगे के आउटलुक पे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस कंपनी के यानी कि MM फोर्जिंग्स के MD विद्याशंकर कृष्णन साहब भी जुड़ेंगे कार्यक्रम में आगे। लेकिन दोनों से बातचीत करने से पहले क्विकली इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए। मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ, लेकिन स्टीम अब लूज आउट होती हुई थोड़ी सी नजर आएगी आपको। मोमेंटम कंटिन्यू क्यों? कल का एक एबरेशन था, उससे पहले हमने दो तीन दिन से अच्छा मोमेंटम इंडियन मार्केट में पिकअप होता हुआ देखा था। आज भी सेंसेक्स निफ्टी आधे परसेंट के आसपास के गेंस के साथ कामकाज कर रहे हैं। दिन भर उसी लेवल के आसपास के गेंस इंटैक्ट रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। मोमेंटम क्यों आया है, पॉजिटिव साइड में मोमेंटम फिर कंटिन्यू क्यों कर रहा है? एक तो ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव थे, अमेरिकन मार्केट्स में भी हमने देखा था रेंज बाउंड ट्रेड था, दबाव नहीं था, लाइफ हाईज पे वो मार्केट्स डाउ फिर से पहुंचता हुआ नजर आया कल के ट्रेडिंग सेशन में। यूरोपियन मार्केट में हमने अच्छा खासा उछाल आता हुआ देखा था, इनफैक्ट कैक्स और डैक्स यानी कि फ्रांस और जर्मनी के मार्केट्स में तो 2% से ज्यादा का उछाल था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव था। दूसरी पॉजिटिव बात यह थी कि FI